मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के निर्देश के बाद कलेक्टर एसपी सहित सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई है। इसके बाद गरियाबंद के ट्रांसपोर्ट पेट्रोल पंप संचालकों के साथ में ड्राइवरों की बैठक ली गई। बैठक में डीजल पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे यह भी ध्यान रखने को कहा है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता के नए हिट एंड रन कानून के बारे में सही प्रचार की जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने नया कानून, नया नियम बनाया गया है जो ड्राइवर भाइयों के लिए 10 साल का सजा और 7 लाख जुर्माना, उसके लिए विरोध में हम सभी ड्राइवर भाइयों को समझा रहे हैं कि अभी 4-5 दिन गाड़ी मत चलाओ। जिले के जो पेट्रोल पंप है उसमें सुचारू रूप से सप्लाई बना रहे, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कहीं बाधित ना हो, इसलिए सभी SDM, फूड इंस्पेक्टर और तहसीलदारों को भी तदर्थ निगरानी करने के लिए और लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। अभी कहीं भी बसों को रोकने या उनके लिए कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है, और कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति हो या कहीं रोक टोक हो तो उसके लिए किसी भी शिकायत हो तो पुलिस कंट्रोल रूम और जिला प्रशासन ने भी अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया है।